मेरे प्यारे नौजवान साथियों, 29 अगस्त को पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। यह महान हॉकी प्लेयर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। हॉकी के लिए उनका योगदान अतुलनीय था। मैं इस बात का स्मरण इसलिए करा रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश की नई पीढ़ी खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने। अगर हम दुनिया के युवा देश हैं तो हमारी ये तरुणाई खेल के मैदान में भी नजर आनी चाहिए। स्पोर्ट्स यानी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंसमेंट, मैं समझता हूं इससे ज्यादा क्या चाहिए। खेल एक प्रकार से दिलों का मेल की एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। हमारी देश की युवा पीढ़ी खेल जगत में आगे आए और आज कंप्यूटर के युग में तो मैं आगाह भी करना चाहूंगा कि प्लेइंग फील्ड प्ले स्टेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर पर फीफा खेलिए, लेकिन बाहर मैदान में भी तो कभी फुटबॉल के साथ करतब करके दिखाइए। कंप्यूटर पर क्रिकेट खेलते होंगे, लेकिन खुले मैदान में आसमान के नीचे क्रिकेट खेलने का आनंद कुछ और होता है। एक समय था जब परिवार के बच्चे बाहर जाते थे तो माँ पहले पूछती थी, तुम कब वापस आओगे। आज हालत ये हो गई है कि बच्चे घर में आते ही कोने में या तो कार्टून फिल्म देखने में लग जाते हैं या तो मोबाइल गेम पर चिपक जाते हैं, और तब माँ को चिल्ला करके कहना पड़ता है, तू कब बाहर जाएगा। वक्त वक्त की बात है, वो भी एक जमाना था जब माँ बेटे को कहती थी, तू कब आओगे। और आज ये हाल है कि माँ को कहना पड़ता है, बेटा तुम बाहर कब जाओगे। नौजवान दोस्तों, खेल मंत्रालय ने खेल प्रतिभा की खोज और उन्हें निखारने के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल तैयार किया है, जहां पूरे देश से कोई भी बच्चा जिसने खेल के क्षेत्र में कुछ उपलब्धि हासिल की है, उनमें टैलेंट हो, वो इस पोर्टल पर अपना बायोडाटा या वीडियो अपलोड कर सकता है। सिलेक्टेड इमर्जिंग प्लेयर्स को खेल मंत्रालय ट्रेनिंग देगा और मंत्रालय कल ही इस पोर्टल को लॉन्च करने वाला है। हमारे नौजवानों के लिए तो खुशी की खबर है कि भारत में 6 से 28 अक्टूबर तक फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। दुनिया भर से 24 टीमें भारत को अपना घर बनाने जा रही हैं। आइए विश्व से आने वाले हमारे नौजवान मेहमानों का खेल के उत्सव के साथ स्वागत करें, खेल को एंजॉय करें, देश में एक माहौल बनाएं। जब मैं आज खेल की बात कर रहा हूं तो मैं पिछले हफ्ते एक मेरे मन को बड़ा ही छू जाने वाली घटना घटी, देशवासियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे बहुत ही छोटी आयु की कुछ बेटियों से मिलने का मौका मिला और उसमें से कुछ बेटियां तो हिमालय में पैदा हुई थी, समंदर से जिनका कभी नाता भी नहीं था। ऐसी हमारी देश की 6 बेटियां जो नेवी में काम करती हैं, उनका जज्बा, उनका हौसला हम सबको प्रेरणा देने वाला है। ये 6 बेटियां एक छोटी सी बोट लेकर के INS तरिणी उसको लेकर के समंदर पार करने के लिए निकल पड़ेगी। इस अभियान का नाम दिया गया है नाविका सागर परिक्रमा, और वे पूरी विश्व का भ्रमण करके महीनों के बाद, कई महीनों के बाद भारत लौटेगी। कभी एक साथ 40-40 दिन पानी में बिताएगी, कभी कभी 30-30 दिन पानी में बिताएगी। समंदर के लहरों के बीच साहस के साथ हमारी ये 6 बेटियां, और ये विश्व में पहली घटना हो रही है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिन्हें हमारी इन बेटियों पर नाज न हो। मैं इन बेटियों के जज्बे को सलाम करता हूं और मैंने उनसे कहा है कि वो पूरे देश के साथ अपने अनुभवों को साझा करें। मैं भी नरेंद्र मोदी ऐप पर उनके अनुभवों के लिए एक अलग व्यवस्था करूंगा, ताकि आप जरूर उसे पढ़ पाए, क्योंकि एक प्रकार से साहस कथा है, स्वानुभव की कथा होगी। और मुझे खुशी होगी इन बेटियों की बातों को आपके तक पहुंचाने में।
मेरी इन बेटियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत-बहुत आशीर्वाद है।